का तांता लगा रहा। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए दूर से आए श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस के चलते बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। सावन के महीने में बाबा शिव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। श्रावण माह के सोमवार को भक्त भगवान शिव का व्रत धारण करते हैं। इसी क्रम में सावन के सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से भगवान शिव का अभिषेक किया गया। आपको यह भी बता दें, यहां दर्शन के लिए मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए समय तय किया है, जिसके तहत सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 7 से रात्रि 9 बजे तक भगवान शिव के दर्शन हो सकेंगे। महाकालम महागायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमस्ते। परब्रह्म परमात्मा ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के दरबार में आज द्वितीय सोमवार के दिन भगवान महाकाल की पूजन अर्चन की गई है, भस्म आरती की गई है, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की गई है। हजारों भक्त लोग बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दरबार के अंदर जिस प्रकार की पूजन अर्चन की जाती है, जिस तरह से भस्म आरती की जाती है, दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती है, इसलिए बाबा महाकाल की भस्म आरती का बड़ा महत्व है। श्रावण माह में हर रोज 5,000 श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही VIP शुल्क 250 की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ कोरोना प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनके पास वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। उज्जैन से के न्यूज इंडिया के लिए धर्मेंद्र पांड्या की रिपोर्ट। मल्हारगढ़ विधायक